नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आज आपको स्लिट बनाना सिखा रही हूँ। जैसे कि कमीज की चाक जो साइड में खुलते हैं वो, और स्कर्ट के हिस्से में जहाँ खुला हुआ हिस्सा होता है उसको पक्का करने के लिए ये बनाई जाती है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये कमीज है और कमीज की ये साइड की चाक है। इसको पक्का करने के लिए मैं आज आपको सिखा रही हूँ स्लिट कैसे बनाई जाती है। इस प्रकार से आप प्रेस कर लें, ये देखिए इस तरीके से। सबसे पहले आप इसको इस प्रकार से प्रेस कर लें, ये देखिए जो सिलाई है ना, ये सिलाई है, उस सिलाई तक हम इस प्रकार से इसको प्रेस कर लें दोनों साइड ऐसे पकड़ के। और ये देखिए इधर से भी इसको इस तरह पकड़ लेंगे और इस प्रकार से, इस प्रकार इसको पहले प्रेस कर लें इस तरह से। ये प्रेस करने के बाद फिर ये देखो, ये एक मैंने पट्टी ली है, ये 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी है। और इस पट्टी को भी हम इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ऐसे इसको इस प्रकार प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके इसको अच्छे से बिठा लेंगे। इसको हम थोड़ा सा चौड़ा और भी कर सकते हैं, थोड़ी भीड़ी भी कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार है। इस पट्टी को इस प्रकार से, ये देखिए इस तरह से, और इसके दो पीस कर लेंगे क्योंकि हमने दोनों साइड लगानी है, तो हम इसको दो पीस कर लेंगे। और ये यहाँ पर चाक है, ये देखो ये कमीज है। इस कमीज की साइड को पक्का करने के लिए ये बनाई जाती है, स्लिट लगाते हैं और ये स्टेप लगाते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार लगानी है। ये देखिए ये जो चाक है ना, चाक बिल्कुल इसके साथ, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से ये बंद है बिल्कुल वहाँ आप एक लाइन लगा लीजिए इस तरह से, इस तरह से। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से आप लाइन लगा लें इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, ये जो पट्टी है इसको हम इस प्रकार से रखेंगे। ये देखो इसका भी आप सेंटर निकाल लें, इसका आप सेंटर निकाल लें इस प्रकार से। ये देखो सेंटर निकालने के बाद सेंटर के यहाँ रखो आप इस प्रकार से, बिल्कुल यहाँ सेंटर के साथ और इस सिलाई के साथ रखोगे आप, देखिए। और इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, ये देखिए पहले आप इसको इस प्रकार से ऐसे मोड़ लें इस प्रकार। मोड़ने के बाद ये देखो, और इस पट्टी को आप इस तरह से रखोगे मोड़ने के बाद, इस तरह से रखोगे और फिर इस प्रकार सिलाई लगाओगे। इस प्रकार से ऐसे सिलाई लगाओ इस प्रकार। इसको आप एक बार बैक कर लें, इसी को इस प्रकार से। अब इस तरह से लगाने के बाद अब देखिए इसको हम इस प्रकार पकड़ लेंगे ऐसे, और जो मैंने निशान लगाया था उस निशान से बिल्कुल इस तरह लोगे ऐसे, ये देखिए इस प्रकार रखते हुए इस प्रकार से। ये देखो बिल्कुल ये जो सिलाई है, इस सिलाई के
तक आप इसको ले करके आए इस प्रकार, और फिर वापस ले जाएं इसको इस प्रकार, फिर वापस ले जाएं। इससे क्या होगा, इससे जो है कमीज की जो साइड होती है वो फटती नहीं है और आपका जो है कपड़ा मजबूत हो जाता है, इसलिए इस स्लिट को बनाया जाता है इस प्रकार से। देखिए एक सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसके इधर एक सिलाई और लगाओगे इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे। इस प्रकार, और फिर इसको भी आप दोबारा वापस ले आए। इस तरीके से इस तरह करने के बाद ये देखिए, ये मैंने एक साइड लगा दी है। अब दूसरी साइड जब आप लगाएंगे तो आप इसको इस तरह से रखेंगे और इसको ऐसे करके इस प्रकार से देखो ऐसे, इसको हम यहाँ से इस प्रकार मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद जो है फिर हम ये किनारे की सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से, ये ध्यान रहे बिल्कुल सीधी लाइन खींच करके तब आप इसको लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए ऐसे लगाने के बाद अब ध्यान देना, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लेंगे इसको, ये देखिए ये सिलाई है बीच की, इस सिलाई के बिल्कुल किनारे से साथ साथ हम इसको इस प्रकार से लेंगे इस प्रकार, और इसको ऐसे घुमा देंगे, ये आपका इस तरीके से इस प्रकार आप इसको लगा दें। अब आपकी देखिए ये जो है स्लिट पट्टी जो है हमने लगा दी है, और ये हमारे चाक हैं ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ करके हम इसको कच्चा कर देंगे, इधर से भी हम ऐसे ही मोड़ करके इसको कच्चा कर देंगे, बाद में तुरपाई करके और इसको पक्का कर देंगे। अब ये देखिए, और ये जो यहाँ से जो है आपका कमीज जो है वो मजबूत हो गया। तो इस प्रकार से जब हम पट्टी लगाते हैं तो कपड़ा जो है वो मजबूत हो जाता है और ज़्यादा दिन चलता है। धन्यवाद।